हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेश कुमार मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बात करूँगा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पोस्ट बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि राजस्थान में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे जीत ऑन ट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नर्सिंग की कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर जाके यहाँ गूगल पर टाइप करोगे RUHS। जैसे ही आप RUHS यहाँ टाइप करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो लेफ्ट साइड में आप देख पाओगे, क्योंकि लिंक्स लिखा है, उधर लिखा है एडमिशन 2021 और 22। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन 2021 की नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी कोर्सेज की जानकारी आपको दिख रही है। आपको क्या करना है, राजस्थान सेंटर एडमिशन टू नर्सिंग कोर्सेज के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ कॉलम पे क्लिक करोगे तो एक और पेज खुल के आएगा। आप अपने लेफ्ट साइड देखोगे फिल कॉलेज प्रेफरेंस, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉलेज प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या है, एक फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगेगा लॉगिन के लिए। आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर डाल के लॉगिन करना है। जी दोस्तों, आप यहाँ पे फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे तो आप देख पाओगे कि अलग से एक पेज खुल के आया है जिसमें राजस्थान सेंट्रलाइज एडमिशंस टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस साइड में कैंडिडेट का नेम है। और आपको ये और बता दूं कि टोटल जो अवेलेबल है कॉलेजेस, वो टोटल कॉलेज हैं 41, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के टोटल कॉलेज हो जाएंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवाने वाले, वो है 41। आप क्या करेंगे, काउंसलिंग के आगे प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करोगे तो कॉलेज बहुत सारे खुल के आ जाएंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, जैसा मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो जो सिर्फ दो ही हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी करनी है राजस्थान से, तो गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में पोस्ट बेसिक बीएससी के दो ही हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है SMS गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और जो सेकंड है डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये दो ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिससे आप पोस्ट बीएससी बीएससी कर सकते हो राजस्थान में। तो अब मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज के बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो जयपुर से करना पसंद करते हैं, कोई भी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी हो, या फिर आपका एमएससी नर्सिंग हो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज के बाद प्राइवेट कॉलेज की, तो जयपुर में जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, NIM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, सोनी नर्सिंग कॉलेज, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, टैगोर नर्सिंग कॉलेज, उपचार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, साकेत नर्सिंग कॉलेज, रावत नर्सिंग कॉलेज, पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड जय दुर्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो दोस्तों, इतने जो कॉलेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर में हैं, जो कि आपको प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। अब मैं बात करूं अदर कॉलेजेस की, जो कि जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में, ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो प्राइवेट, जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीकर की, तो सीकर में अन्नपूर्णा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सीकर में है वो करवाता है। साथ में बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा, बांसुर नर्सिंग कॉलेज बाईपास रोड पे जो है अलवर, चौधरी कनागरम ढाका झुंझुनू में, जैसवाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा, झालवार नर्सिंग कॉलेज झालवार, जुबिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर, ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज सीकर, माँ गायत्री बीएससी नर्सिंग कॉलेज गिरवा उदयपुर, महात्मा गांधी कॉलेज झालवार, माँ खादीजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जोधपुर, मास कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, मयूरक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, मयूरक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी जोधपुर, नौरंग राम दयानंद कॉलेज झुंझुनू, रमी देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग टोंक, राम सैनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा,
एस टेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा, एस एन कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग दौसा, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, श्री दिगंबर डिग्री भरतपुर, एस के जी मेमोरी नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज नर्सिंग जोधपुर, सनराइज कॉलेज उदयपुर और उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर। दोस्तों ये इतने सारे ये कॉलेज थे, जो टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 41 कॉलेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 2 कॉलेज हैं, बाकी के जो 39 कॉलेज हैं वो हैं प्राइवेट कॉलेज आपके। तो इस तरीके से आप क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट कॉलेज में जाके एड प्रेफरेंस करके आप कितने भी कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि आपको सेलेक्ट कॉलेज आप पूरा नाम देख के ही करें और वो कहाँ पे है। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जयपुर के ही कॉलेज भरें, जो भी अच्छे कॉलेज हैं उनको सबसे पहले भरें। क्योंकि अगर आप सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करें उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज को फिल करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करें, अर्थात आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आप नीचे आप प्रेफरेंस में प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, 24 तारीख तक आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि नीचे नोट पर लिखा है, यू कैन मॉडिफाइड चेंज योर फील्ड चॉइस मल्टीपल टाइम्स बिफोर 5 PM 24 तारीख तक। आफ्टर दिस ऑल चॉइस फिल्ड बाय यू विल बी ऑटो लॉक। आगे जो है वो ऑटो लॉक हो जाएगी, फिर आप कोई भी चॉइस फिल अलग से नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपका क्या है, आप अलग पेज पे आ जाएंगे और आपने जितने भी कॉलेज जो है यहाँ पे चूज करें वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप 24 तारीख तक बाकी के चेंजेस में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर भी करिएगा और साथ में ही सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी नर्सिंग की वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।